अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि बिल्कुल ठीक ठाक हों, और आज हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, और ये हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कोविड सेंटर का जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यानी पी फाइज़र, हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन वो हो रही हैं। तो हम लोगों की सबमिशन, मतलब मेरे हस्बैंड के अब दोनों अपॉइंटमेंट हो चुके थे, एक उनके लग चुकी थी और 20 डेज़ के बाद सेकेंड डोज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज हो गई है। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बेहतरीन। और अंदर जाएं तो आप बिल्कुल अकामा नंबर पूछेंगे, आपसे स्लिप देंगे, आपको 5 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाता है, आपकी वैक्सीनेशन होती है। 15 मिनट बिठाते हैं, थोड़ी देर इसलिए बिठाते हैं कि कोई इसके को उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ना हो, और उसके बाद वो कहते हैं आप जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और सेकेंड भी डोज़ डन हो चुकी है। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि आगे भी इंशाल्लाह सही रहें। और ये हमारा जो है ना ओल्ड एयरपोर्ट है, जिस पे हम कभी आते थे, और यहाँ पर भी बहुत प्लेन आते थे, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं 2 साल के बाद शायद आई हूँ, नहीं मैं आई तो हूँ बीच में। और ये हमारे जो थे पार्किंग एरिया के केबिल, जिसमें से कि हम पेमेंट करके निकलते थे, तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं, यानी बिल्कुल चेंज हो चुका है पूरा एयरपोर्ट। तो कोविड ने ऐसा हमें घरों में कैद किया कि बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ठीक है, माशाल्लाह। हम लोग निकल गए थे, बस अब हमने सोचा कि क्या करें, कुछ खाएंगे पिएंगे। मेरे बेटे ने कहा कि उन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया हुआ था कि कहीं लंच करेंगे जाकर, तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ बड़ी अच्छी सी जगह पे लंच के लिए। तो हम जा रहे थे, हम पहुँचे हैं आउटबैक स्टेक हाउस। तो अल यास्मीन मॉल में आउटबैक स्टेक हाउस में बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने लंच किया था, मज़ेदार सा, फुल फिल होकर खूब। और मैंने मंगाई थी ये टस्कन चिकन, मेरे बेटे ने मंगाया था ये बीफ टिप्स विद मशरूम, और हस्बैंड के लिए आए थे क्रिस्पी चिकन टेंडर्स, बहुत मज़े के। और ये जो मैं आपको सूप दिखा रही हूँ, इसकी रेसिपी आपके साथ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कोई जायकेदार सूप था। ओहो, ऑनियन क्रीमी सूप था ये इनका, और ऐसा बेस्ट। और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री, ये सीजर सैलेड और ये हमारा ग्रीन सैलेड आया था, ये इसके साथ गार्लिक सॉस आई थी, और ये मेरी टस्कन चिकन और फ्राइज के साथ मैंने मंगवाया था। वरना आप इसको मैश पोटैटो या लोडेड पोटैटोज के साथ, या वेजिस के साथ, और या राइस के साथ, यानी इतने ऑप्शन हैं। इतनी डील्स अच्छी है, ये जो लंच डील जो है इनकी बहुत अच्छी है। तो ये हम लोग सब ने खूब इंजॉय किया, फुल हो गए। पहले हमने सैलेड और सूप इंजॉय किया, फिर जैसे ही हमारा लंच आ गया तो फिर हमने सैलेड को थोड़ा एक साइड पे किया, और मैं और मेरे हस्बैंड जो थे हम दोनों बांट बांट के खा रहे थे, क्योंकि मुझे टेंडर अच्छा लग रहा था, उनको ये देखिए, और वो मुझे दे रहे हैं, मैं उनको दे रहे थे, हम लोग दोनों इस तरह से बड़ा मज़े से इंजॉय किया था। और ये हमारा लंच ख़त्म हो गया था और हम फुल हो चुके थे, यमी इन माई टमी। तो उसके बाद जो है ये सब बच गया था, यानी अब नहीं खाया जा रहा था हमसे। तो मैंने बस फुल हो चुके थे, छोड़ दिया कि भाई नहीं, अब नहीं, हमसे गुंजाइश नहीं है कि इसमें से मैं कुछ भी खा सकती हूँ। और ये जो आप ये क्लासिक ब्रेड देख रहे हैं, ये आउटबैक स्टेक हाउस की वाकई क्लासिक हनी ब्रेड है, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त, इसकी शक्ल भी नहीं जाएगा, इसके साथ बटर है, और इसको आप इंजॉय करें इसे इतने मज़े से। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी हैप्पी हूँ, तो मैंने हैप्पी बर्थडे की इसकी। तो इसको फिर मैंने सोचा था कि इसको मैं नहीं टच करूँगी, तो मैंने कहा चलें टेस्ट तो करते हैं, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, सच बात यह है। तो लेकिन मुझे ये है कि दोबारा भी मैं जाऊँगी, आप एक दफ़ा इस रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। यानी ये मैं वैसे तो ये मॉल ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसका खाने की तारीफ कर रही हूँ, और लंच डील बेहतरीन है, बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी, यानी आप फुल भी हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, सुकून का, सर्विस बेहतरीन, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। और ये फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप टेस्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उनको एक बाइट दिया तो फिर वो उन्होंने भी खाया, लेकिन एक पीस हमने छोड़ दिया था, क्योंकि अब हमसे नहीं खाया जा रहा था, तो ये अब मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। तो ये है बस, आज का दिन हमने ऐसे गुजारा, थोड़ा मज़ा आया, 2-3 घंटे बाहर गुजार के ज़रा अच्छा लगा। तो ये सर्विस हमें बहुत अच्छी मिली, और मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बहुत कुछ था, यानी कि सूप कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारे सैलेड कॉम्प्लीमेंट्री, और उसके बाद रिफ़िल हमारी ड्रिंक, और फिर हमने तस्वीरें खींची, थोड़ी सी मज़ा किया, सेल्फी, मैं और मेरे बेटे ने, और मेरे हस्बैंड को सर्दी लग रही थी तो वो चले गए थे गाड़ी में, और ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एक आइसक्रीम आ गई, तो वो लेकर आए, और जिनसे मैं आपसे मिलवाती हूँ ये हैं हुसैन अल मालकी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे
वो कर रहे थे, सऊदी हैं ये और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये देखिए, तो ये इनसे मिलिए, हुसैन अल मालकी हैं ये, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद फिर हम लोग उस बाहर निकल गए, हमें आगे भी जाना था तो हम लोग निकल गए। आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के ग्रीन टी लेकर, कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन टी, ऐसा लग रहा था सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पे चल रहा है, बाकी तो हमें ऑर्डर करना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं ऑर्डर भी था ठीक ठाक। और उसके बाद हम आउटबैक ये स्टेक हाउस से निकल गए। तो ये मॉल बहुत अच्छा है, और मॉल, इस मॉल की सबसे अच्छी खासियत, सबसे अच्छी बात यह है कि ये नीचे नीचे है, आपको फ्लोर नहीं मिलेंगे, आपको थकेंगे नहीं अंदर ऊपर जाके कि आपको एक से दूसरे मॉल में, तो नीचे ही बहुत अच्छा मॉल है। तो किसी दिन आपको विज़िट कराएंगे हम यहाँ का भाई। और हम निकल गए क्योंकि सर्दी भी हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है जद्दा का, बहुत ही अच्छा इस वक्त चल रहा है, और कभी गर्मी कभी सर्दी वाला, तो बस ऐसे इंजॉय किया हम लोगों ने, वरना हम मॉल भी थोड़ा सा घूमते और निकल के घर की तरफ चले गए। तो आप एक दफ़ा विज़िट कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, मॉल में भी मज़ा आएगा और इसका खाना भी पसंद आएगा। लंच डील बहुत अच्छी है इसकी, तो मैंने तो पब्लिसिटी कर दी लग रहा है। नहीं मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो ये है अलियासमीन मॉल, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, अच्छा लगा। तो काफ़ी दिन के बाद निकले और थोड़ी आउटिंग भी हो गई, और ज़ाहिर स्ट्रेस होता है कि वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, मिले जुले कमेंट्स लोगों के मिल रहे हैं कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हो गई है। तो आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपसे अपने किचन से इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तो अपने किचन से मुलाकात होगी। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें बहुत दुआओं में याद रखिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।